वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट अकेडमी एंड वेलकम टू दिस न्यू एपिसोड ऑफ वंडरफुल वेनसडेज। सबसे पहले तो आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। इसी खुशी में हमने लॉन्च किया है एक कूपन कोड हैप्पी दिवाली, जिससे आपको मिलेंगे बहुत ही एक्साइटिंग डिस्काउंट्स ऑन आर मॉडल पोर्टफोलियोस। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, जहां पर हम बात करने वाले हैं कि एफएमसीजी बिजनेस को हम कैसे एनालाइज करें। सो एफएमसीजी बिजनेस की अगर हम बात करें तो यहां पर ब्रॉडली दो कैटेगरीज होती है। सबसे पहले होता है एफएमसीजी फूड बिजनेस, जहां पर बिस्किट जैसे प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं, जहां पर मैन्युफैक्चरिंग, इनोवेशन, मार्केटिंग सारी चीजें एफएमसीजी कंपनीज ख्याल रखती है इन चीजों का। इसके अलावा एफएमसीजी नॉन फूड बिजनेस भी होता है, जहां पर सोप शैम्पू जैसे एफएमसीजी प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं। सो अगर हम एफएमसीजी पूरी कैटेगरी को देखें तो यहां पर सब कैटेगरीज बहुत सारे हैं। यहाँ पर पर्सनल केयर हो सकता है, ओरल केयर, होम केयर, फूड एंड बेवरेजेस, ये सारे एक बहुत ही की पार्ट बनाते हैं एफएमसीजी बिजनेस का। एफएमसीजी बिजनेस का एक मेन कैरेक्टरिस्टिक ये है कि यहाँ पर मार्जिन जो है वो काफ़ी थिन होते हैं, पर ये पूरा गेम जो है वो वॉल्यूम का होता है। आप जितने वॉल्यूम ज़्यादा करोगे उतना आपका इवेंचुअल नेट प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा होगा। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी एफएमसीजी बिजनेस का, जहां पर रेवेन्यू, ब्रांड, ब्रांड प्रेजेंस, ये सारी चीज़ें जो है वो पूरी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पे डिपेंड करती है। जहां पर कंपनी मैन्युफैक्चरिंग तो कर लेती है, लेकिन उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, जहां से होलसेलर एंड रिटेलर तक ये चीज़ें पहुंचेगी, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जितना अच्छा एंड डीप नेटवर्क होगा उतने ही दूर तक आपके प्रोडक्ट्स पहुंचेंगे। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन में भी अभी बहुत सारी चेंजेस आने लगी है। बिफोर COVID-19 अगर आप देखोगे तो डिस्ट्रीब्यूशन जो था वो ट्रेडिशनल मीन्स से बहुत ज़्यादा होता था, बट नाउ यू विल सी अ लॉट ऑफ एफएमसीजी ब्रांड्स हु आर गोइंग फॉर D2C, दैट इज डायरेक्ट टू कंज्यूमर, एंड ऑल्सो ऑनलाइन टू ऑफलाइन रूट्स, जिससे वो एंड कस्टमर तक जल्दी पहुंच सकते हैं कंपेयर टू द ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। सो अगर हम की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें जो किसी भी एफएमसीजी बिजनेस में होने चाहिए, तो यहाँ पर कुछ मेन चीज़ें होती है। नंबर वन इज हाई सेल्स वॉल्यूम। सो सेल्स का जो वॉल्यूम है उसको हाई रखने की सारी एफर्ट कंपनी लेती है। यहाँ पर प्राइजिंग पावर जो है वो यहाँ पर इतनी ज़्यादा नहीं होती, बिकॉज ऑब्वियसली कॉम्पिटिशन भी बहुत ज़्यादा होता है। आपके प्रोडक्ट को डिफ्रेंसिएशन लाने में बहुत सारी चीज़ें नहीं होती, सो सारा गेम जो है वो वॉल्यूम बेस्ड है। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है वो एक्सटेंसिव रखने की यहाँ पर कोशिश होती है हमेशा। ऑब्वियसली प्रॉफिट मार्जिन जो है वो इसमें लो होते हैं। सारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो रैपिड कंजम्पशन बेस्ड होते हैं। सो कंपनीज का ये एफर्ट होता है कि हम कस्टमर्स को एक ऐसी आदत डालें जिससे कस्टमर्स रिपीटेडली आपका प्रोडक्ट जो है वो यूज़ करें। ब्रांड नेम बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है, एंड ब्रांड नेम को बनाने के लिए ऑब्वियसली यू नीड थिंग्स लाइक एडवर्टाइजिंग, जो लोगों तक आपका ब्रांड जो है वो पहुंचा सके। इसके अलावा ये बिजनेस बहुत रेगुलेटेड होता है। अगर आप फूड प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे रेगुलेटरी नॉर्म्स जो है वो भी ध्यान रखने पड़ते हैं सारे कंपनीज को, एंड देर आर लॉट ऑफ रेगुलेटरी हर्डल्स जो किसी भी प्रोडक्ट को आ सकते हैं। इसके अलावा कंज्यूमर बिहेवियर जो है वो भी बहुत रैपिडली चेंज होता है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो एक टाइम के बाद शायद नहीं चलेंगे। सो एफएमसीजी कंपनीज हैव टू बी वेरी निम्बल, दे हैव टू बी वेरी प्रोएक्टिव। उन्हें ये देखना पड़ेगा कि कस्टमर्स का बिहेवियर जो है वो किस तरह से चेंज हो रहा है, एंड दे हैव टू मेक द स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंगली। कॉम्पिटिटिवनेस इस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा है। देर आर लॉट ऑफ कंपनीज हु बैटल फॉर द सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट। अगर आप कोई भी सोप का ब्रांड देख लो तो उसके सिमिलर ब्रांड्स बहुत सारे होते हैं। हर एक कंपनी कोई ना कोई डिफरेंशिएशन लाने की कोशिश करती है। इट माइट बी आइदर थ्रू सम यूज ऑफ इंग्रेडिएंट्स और थ्रू एडवर्टाइजिंग। सो बिकॉज द सेगमेंट इज सच वेयर द कॉम्पिटिशन इज सो हाई, ऑल द कंपनीज हैव टू टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट टू टेक देयर प्रोडक्ट्स टू द कस्टमर्स। सो अगर हम यहाँ पर कुछ की पैरामीटर्स की बात करें तो सबसे पहले तो वॉल्यूम ग्रोथ, बिकॉज एफएमसीजी कंपनीज में वॉल्यूम ग्रोथ से ही पता चलता है कि सस्टेनेबिलिटी कितनी ज़्यादा है बिजनेस में। एक टाइम पे अगर मार्जिन्स कम हो, जैसे करंट इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट हम देख रहे हैं, देन दैट इज़ टॉलरेबल, बट वॉल्यूम ग्रोथ जहाँ पर है वही बिजनेस लॉन्ग टर्म में बहुत सस्टेनेबल होगा। रेवेन्यू मिक्स देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि विद इन एफएमसीजी बिजनेस भी जो सारे सेगमेंट्स हैं उनमें बहुत डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ मार्जिन्स दैट द पर्टिकुलर सेगमेंट कैन अर्न। अगर हम HUL की बात करें तो उनका 33% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम होम केयर एफएमसीजी बिजनेस। इसके अलावा ब्यूटी एंड प्रोफेशनल केयर दैट ब्रिंग्स देम अराउंड 37% ऑफ द रेवेन्यू, एंड फूड एंड रिफ्रेशमेंट बिजनेस ब्रिंग्स देम समवेयर अराउंड 25% ऑफ द रेवेन्यू। हर एक सेगमेंट का प्रॉफिट मार्जिन जो है वो अलग रहेगा, एंड ऑब्वियसली सम ऑफ द सेगमेंट्स दैट हैव हायर प्रॉफिट मार्जिन कैन डू वेरी वेल फॉर द कंपनी इन द लॉन्ग रन। ऑब्वियसली दे नीड वॉल्यूम ग्रोथ एज वेल। इसके अलावा ई कॉमर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सेल्स परसेंटेज ऑल्सो मैटर्स अलॉट। बहुत सारे जो लिस्टेड एफएमसीजी कंपनीज है दे मेनली डिपेंड ऑन द ट्रेडिशनल मीन्स। अगर हम HUL की ही बात करें अगेन, तो यहाँ पर ट्रेडिशनल मीन्स से उनको अराउंड 90% ऑफ द रेवेन्यू आता है, वेर एज ई कॉमर्स से इट इज समवेयर अराउंड 10%। हालांकि ये जो नंबर है ये इंक्रीज हो रहा है, एंड कंपनी आगे ये भी एफर्ट लेने वाली है टू ट्राई एंड
make a lot of expansion in the e-commerce side of their business. EBITDA margin again remains a very important metric. Jahan par HUL currently has an EBITDA margin of somewhere around 23% in Q1 FY23. Return on capital employed, debt equity ratios and PE ratio, something that is very common to assess any manufacturing company, wo yahan par bhi bahut important hai. HUL ki agar hum baat karte ho, yahan par debt equity ratio company ka zero hai. It is a debt free company, which is a very good parameter in business downturns. Agar company ko koi debt obligation nahi hoga to company can do very well in those times. So what are the moats in this sector? कौन सी ऐसी चीजें हैं जो किसी भी FMCG business को बहुत अच्छा business बना सकती है? So number one is well-known brand name. Brand name अगर बहुत well-known होगा, जैसे हिंदुस्तान Unilever है, तो उस case में company को बहुत बड़ा impetus मिल सकता है. Nestle, another very well-known brand. So brand name makes a lot of difference. इसके अलावा high EBITDA margins, obviously pricing power यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं है, but within the segment कुछ ऐसे products हो सकते हैं जहाँ पर किसी particular company को बहुत अच्छा pricing opportunity हो. For example, अगर हम baby food products की बात करें तो यहाँ पर Nestle का बहुत बड़ा moat है जो शायद बाकी कोई company replicate नहीं कर सकता. इसके अलावा good geographical distribution all over the country, एक किसी पर्टिकुलर एरिया में ही कंपनी का कॉन्सेंट्रेशन ना होके अगर पूरे इंडिया में या फिर इवन ऑफ द कंपनीज एक्सपोर्टिंग इट्स प्रोडक्ट्स, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है कंपनी की टॉप लाइन ग्रो करने में. इसके अलावा टैपिंग इन ऑर्गेनिक ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. मर्जर्स एंड एक्विजिशंस करके कंपनी बहुत अच्छे से ग्रो कर सकता है. ऑब्वियसली जो मर्जर्स है वो अच्छे क्वालिटी कंपनीज के भी होने चाहिए एंड द कंपनी शुड पे अ फेयर प्राइस. इट शुड नॉट ओवर पे फॉर दोज मर्जर्स. डीप पॉकेट्स, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट, ये चीज़ें बहुत हेल्प करती है. बींग डेट फ्री हेल्प्स अ लॉट, लाइक वी डिस्कस इन द प्रीवियस सेगमेंट. एंड लीडिंग एंड डोमिनेंट मार्केट शेयर इन अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैन हेल्प अ कंपनी ग्रो अ लॉट. सो दीज आर सम ऑफ द फैक्टर्स जो किसी भी FMCG कंपनी को एक बहुत अच्छा कॉम्पिटेटिव एज प्रोवाइड करते हैं. वैल्यूएशंस इस सेक्टर में यूजुअली एलिवेटेड लेवल्स पे ही होते हैं बिकॉज FMCG एक ऐसा सेक्टर है जो कंजम्पशन से बहुत ज्यादा लिंक्ड है. सो इंडिया की कंजम्पशन स्टोरी ऑब्वियसली इज बाउंड टू इंक्रीज, बट कौन सी FMCG कंपनी इसका ज्यादा फायदा ले सकती है, दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू रियली एनालाइज वेरी वेल. ऑन दैट नोट विल कंक्लूड दिस वीक्स वीडियो. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए एंड शेयर कीजिए विद मैक्सिमम पीपल. मिलते हैं अगले हफ्ते. थैंक यू.